नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट तेजी से बढ़ गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा में गर्मी की सीजन आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट तेजी से बढ़ गया है। तालाब सूखने लगे हैं, कुएं सूखने लगे हैं, ज्यादातर हैंडपंप भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही। इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संकट को लेकर हमारी टीम ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से चर्चा की, तो उनके द्वारा क्या बताया गया आप सुने। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। गर्मी का सीजन आ गया है ना, तेजी से गर्मी बढ़ रही है और सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना नल जल योजना थी, इसको लेकर मैडम परीक्षा लगा हुआ है। गर्मी के समय में पेयजल की आपूर्ति कराना सभी नगर पंचायतों और जनपद पंचायतों की प्राथमिक जवाबदारी है और इसी संबंध में सबको निर्देश भी दिए गए हैं। दो तरीके के कामों में, पहला जो पीएचई से रिलेटेड काम है कि जितने भी अपने ऐसे हैंडपंप हैं जो सूख गए हैं या जिनमें पानी नहीं आ रहा है या जो खराब है, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर ठीक करें। कुछ जगह राइजर पाइप डालने होंगे, कुछ जगह पंप डालने हैं, उनमें भी पीएचई ने अपनी लिस्टिंग करके काम शुरू कर दिया है। दूसरे पॉइंट ऐसे हैं जो अपनी नल जल योजनाएं हैं जो किसी कारण से चल नहीं पा रहे हैं या कहीं सोर्स के इश्यूज हैं या पेमेंट के इश्यूज हैं, वो सभी जनपद पंचायतें प्रायोरिटी पर उनको क्लियर कराएं। इसके अलावा जल जीवन मिशन में ऐसी पंचायतें जहां पर पानी की टंकी बन गई है, पानी का सोर्स रेडी है, जहां पर हमारी लाइनें डल गई हैं, वहां पर हम लोग जल्दी जल्दी पानी सप्लाई करें, ऐसी एक लिस्टिंग भी सीओ जनपद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में गर्मियों के मौसम में पानी वाली प्रकार से लोगों को मिले, इसकी तैयारी टीम कर रही है। थैंक यू।